दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपको भी जोड़ों में दर्द है, चाहे घुटनों का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव है, तो हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए दोस्तों आपको अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हम बहुत आसानी से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर में ताजगी और फुर्ती को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम लिया है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बादाम का सेवन हमें किस तरह से करना चाहिए। केवल 3 से 4 बादाम आपको रोज़ खाना है दोस्तों, इतने सारे बादाम आपको नहीं लेना है जो दिख रहे हैं दोस्तों। 3 से 4 बादाम आप भी खाएं, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें और बूढ़ों को भी ज़रूर दें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बादाम को हम किस तरह से खा सकते हैं ताकि इसका भरपूर फ़ायदा हमारे शरीर को मिल सके। तो आप देख सकते हैं हाथ से, मैं यहाँ पर मैंने 3 से 4 बादाम लिए हैं। सबसे पहले तो आपको बादाम को पानी में भिगाना है। इस तरह से सूखे बादाम का सेवन ना करें दोस्तों, क्योंकि जब हम छिलके सहित बादाम खाते हैं तो इसे डाइजेस्ट होने में, इसे हजम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो बादाम का छिलका होता है उसमें टैनिन नामक तत्व होता है और जो टैनिन होता है वह डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, खाना हजम नहीं होता। बादाम के जो पोषक तत्व हैं वह हजम नहीं हो पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको बादाम को पानी में भिगाकर ही खाना है। बादाम जो कि गुणों का भंडार है दोस्तों, सुपर फूड की श्रेणी में आता है और बादाम में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन होता है, कॉपर, जिंक और साथ ही भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई और बायोटीन होता है। तो मैंने रात भर बादाम को पानी में भिगा दिया था दोस्तों। केवल 4 बादाम लेना है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के अनुसार ही बादाम की क्वांटिटी लें। तो मैंने 4-4 के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, हस्बैंड और घर के बड़ों के हिसाब से बादाम को पानी में रात भर भिगा दिया है और सुबह बादाम का छिलका उतार लिया है। तो आपको बादाम को यदि आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो बढ़िया 4 बादाम लें, खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और साथ में चाहें तो 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध नहीं पीना चाहते हैं तो 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। जितना बढ़िया आप इसे चबाएंगे उतना बढ़िया डाइजेस्ट होने में अच्छा रहेगा। और बादाम जो होता है दोस्तों हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, हमारे मेमोरी को शार्प करता है, दिमागी ताकत बढ़ती है और बहुत सी बीमारियों से बचाव करता है दोस्तों। यदि आप रोज़ बादाम का सेवन करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। जिन्हें हाई बीपी है उन्हें भी बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसे दिल की बीमारी है, हार्ट से संबंधित बीमारी, उन्हें भी 3 से 4 बादाम ज़रूर खाना चाहिए। दूध, 1 गिलास दूध लिया है दोस्तों, आप चाहें तो मलाई निकला दूध लें, बहुत ज़्यादा फैट वाला दूध हमें नहीं पीना चाहिए, परंतु यदि बच्चों को दे रहे हैं तो आप मलाईदार दूध दे सकते हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो कभी भी मलाई वाला दूध ना ले। अगली चीज़ दोस्तों जो आज मैं आपको इस शेक को बनाने के लिए बता रही हूँ वह है छुहारा। छुहारा जिसे कि हम डेट्स भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह शाम यदि आप 2 छुहारा खाते हैं दोस्तों तो कब्ज़ की समस्या दूर होती है, सर्दी खांसी बुखार से राहत मिलती है और ख़ासकर ठंड के मौसम में हमें इस खजूर को, इस छुहारे को ज़रूर खाना चाहिए। छुहारा खाने से हमारी जो सांस की रोग है, सांस का रोग जिसे हम अस्थमा कहते हैं, वह भी बहुत हद तक दूर हो जाता है। छाती में जमे हुए बलगम को निकालता है खजूर, तो खजूर का सेवन करें दोस्तों। खजूर, आपके पास यदि खजूर नहीं है तो आप छुहारा भी ले सकते हैं। खजूर का सूखा हुआ जो रूप होता है दोस्तों उसे ही हम छुहारा बोलते हैं। जैसे अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, वैसे ही छुहारे को सुखाकर खजूर बनाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने भी यहाँ पर खजूर को में से गुठलियों को अलग कर लिया है और इसकी गुठलियाँ भी बहुत उपयोगी होती हैं दोस्तों। जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं ना, वो आप चाहें तो इस गुठलियों को पानी में घिस लें और फोड़े फुंसी में लगाएं तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। आँखों की पलकों के ऊपर जो गुहेरी हो जाती, फुंसी हो जाती है, उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हेल्दी एंड टेस्टी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में 5 बादाम डाले हैं। यदि 3-4 लोगों का बना रहे हैं आप घर के और मेंबर के लिए तो आप थोड़ा बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल 1 व्यक्ति के लिए अभी आपको ये शेक बनाना बता रही हूँ। तो 5 बादाम लिए हैं, 4 पिंड खजूर लिए हैं दोस्तों
और बस अब इसमें आपको डालना एक गिलास दूध। दूध यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा लिया है, परंतु यदि ठंड का मौसम है दोस्तों तो आप ठंडा दूध ना लें, थोड़ा रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध लें और बस खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लेना। जितना बढ़िया फेंटेंगे दोस्तों उतना बढ़िया ये शेक बनेगा। यदि आप रोज़ सुबह नाश्ते के समय ये शेक लेते हैं दोस्तों तो आप ये मान के चलिए कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। और बादाम जो होता है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और खजूर खाने से हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। जिन्हें पाइल्स की शिकायत है उन्हें भी इसे ज़रूर लेना चाहिए। तो ये हमारा बादाम और खजूर का शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। बच्चों को दें, बड़ों को दें या आप बुढ़ों को भी कम क्वांटिटी का दे सकते हैं। इससे आपकी दिमागी ताकत बढ़ेगी, खासकर बच्चों की दिमागी ताकत बढ़ेगी, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है याददाश्त अच्छी रखने की। तो आप इसे ज़रूर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब भी खाएं दोस्तों तो बादाम का छिलका उतार कर खाएं, आप शेक बनाकर खाएं, किसी ना किसी रूप में बादाम का सेवन ज़रूर करें और साथ ही साथ खजूर भी लें। खासकर ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड के मौसम में ये आप लोगों को ताकत देगा और बहुत सी बीमारियों से आपका बचाव होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, खजूर और बादाम का शेक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शिखा किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।